दुर्ग शहर के सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग इंदिरा मार्केट व स्टेशन रोड पर व्यापारियों की असहमति के बावजूद बनाया गया रोड पर डिवाइडर अब शहर के व्यापारियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। ऑनलाइन मल्टी स्टोर व कॉरपोरेट जगत से प्रतियोगिता जैसी वैश्विक चुनौती के बाद डिवाइडर जैसी स्थानीय समस्या ने अब इंदिरा मार्केट और स्टेशन रोड के व्यापार को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। डिवाइडर की वजह से वाहन चलाने में होने वाली परेशानी की वजह से दुपहिया व चौपहिया वाहनों से आने वाले ग्राहक अब दूसरे बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के सबसे व्यस्तम मार्केट इंदिरा मार्केट में। जी हाँ, इन दिनों लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बना डिवाइडर जो कि विवादों का कारण बना हुआ है। व्यापारी वर्ग इसे अपना व्यवसाय क्षति होना बताते हैं। वही दूसरी ओर कलेक्टर सर ने भी इसका दौरा किया था और इसको मापदंड के हिसाब से इसके मापदंडों को इसको नापते हुए इसको इसके परिप्रेक्ष्य में छोटा करने की इसकी अपील भी की थी और शायद निर्देश भी दिया था, ऐसा बात सामने में आई थी। लेकिन चेंबर के व्यापारियों में इसको लेकर खासा उत्साह है। वो चाहते हैं कि इस डिवाइडर के होने से व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके ना होने की मांग चेंबर के पदाधिकारियों ने की है। इस वक्त हम इंदिरा मार्केट में चेंबर के व्यापारियों के साथ मौजूद हैं। पदाधिकारियों से जानेंगे कि डिवाइडर को लेकर उनमें जो विरोध है वो किस तरह का है और क्या मांग वो करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो इंदिरा मार्केट में जो डिवाइडर है इसको आप लोग टोटल हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर सर ने इसके मापदंडों को आधा करने की बात कही थी। एक्चुअल में 2 दिन पहले कलेक्टर महोदय ने इंस्पेक्शन किया है जगह का और हमारे इंदिरा मार्केट के व्यापारी संघ द्वारा इसका विरोध चालू किया गया, क्योंकि सबसे विकृत स्थिति है आज के डेट में इंदिरा मार्केट में, जिसके कारण व्यापार बढ़ नहीं रहा है। न बढ़ना और अवरुद्ध होने का कारण सबसे बड़ा कारण है, लोग पलायन तक कर रहे हैं आज के डेट में दुर्ग इंदिरा मार्केट से। अपनी शॉपों को दूसरे जगह भिलाई ले जाना ज़्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि कोई भी परिवार यहाँ आना पसंद नहीं करता। 4-व्हीलर आने की व्यवस्था है नहीं, हर 2 मिनट में रोड जाम हो जाता है। जब भी व्यापारी वर्ग किसी चीज़ों के लिए मांग करने जाता है शासन के पास, तो ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं कि वो उनके ही दोहरा चालू हो जाता है। क्यों? सबसे पहले आपको कॉरिडोर है तो निगम में सिर्फ इंदिरा मार्केट में कुछ ही एरिया में है, और कॉरिडोर को खाली करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को भी बोल दिया जाता है। तो आज तक एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, हम व्यापारी होके हमारे से ही दुर्ग का व्यापार पूरा चलता है, हमारे कारण दुर्ग में इंदिरा मार्केट में व्यापारी हमारे आते हैं, और जो हमारे बोलते हैं खरीददार हैं जिनको सुविधा नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से, तो हमारे को क्या फ़ायदा है। हमारा ये कहना है कि पिछले 5 साल से बना हुआ जो डिवाइडर है, जिसके कारण अवरोध बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी हमारे इंदिरा मार्केट के अध्यक्ष की भी ये कहना है और हमारे व्यापारी वर्ग का भी पूरा यही कहना है कि हम इस डिवाइडर को टोटली हटाना चाह रहे हैं। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि 50% इसको कर दिया जाएगा, मगर हमारी ये गुजारिश है, हम प्रशासनिक हर अधिकारियों से मिलेंगे और सबसे गुजारिश करेंगे कि भैया ये 50% की जगह आप पूरा पूरा हटा दीजिए, और जितने भी पॉइंट्स आते हैं आपके रोड में आप उसको सकरा कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कारण कहीं व्यवधान आ रहा है तो आप उससे बेटर किया जा सकता है। हम शासन से पुरजोर यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्थिति हमारे तरफ से पैदा मत करवाए, क्योंकि हम इस बार शांत बैठेंगे नहीं और पुरजोर विरोध करेंगे अगर नहीं करा जाएगा तो। अभी तक शासन से यही आश्वासन मिला है कि हम अपना व्यवस्था करवा देते हैं करके। ये आशीष निमजे सर थे, उपाध्यक्ष चेंबर जिला बॉडी में, और भी व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है। सर, आप बताएंगे कि जैसे कलेक्टर सर ने इसका दौरा किया था, मापदंडों में इसको 50% करने की मांग की थी, मतलब मांग नहीं, आप उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी, तो आपको क्या लगता है अगर इसको 50% किया जाए तो कैसा व्यापार अवरुद्ध होगा? व्यापारियों की तरफ से 50% की कोई भी डिमांड नहीं रखी गई है। हर व्यापारी यही चाह रहा है कि इस डिवाइडर को नेस्तो नाबूद किया जाए, क्योंकि यह यहाँ के व्यापार के छाती में एक कैंसर की तरह बन चुका है। 5 वर्षों में 2 वर्ष हमारे कोरोना ने खराब किए और बाकी के 3 वर्ष हम डाउन फ्लो में जाते जा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी है या पलायन हो चुके हैं। यहाँ के काफ़ी व्यापारी दूसरी जगहों में अपनी दुकान खोलने में मजबूर हो चुके हैं। यदि प्रशासन चाहता है कि इंदिरा मार्केट हमारे शहर का व्यस्ततम मार्केट और शानदार मार्केट बना रहे, तो इस डिवाइडर का यहाँ से हटना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसा मानते हैं कि इस डिवाइडर के होने से व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, दिन ब दिन यहाँ पर व्यापार गिरता जा रहा है, यहाँ पर बाहर के लोग आना बंद कर चुके हैं और हमारा सब्स्टिट्यूट खोजा जा रहा है। तो यदि शासन चाहता है कि इंदिरा मार्केट का सब्स्टिट्यूट कहीं हो जाए,
तो वह इस डिवाइडर को ना हटाए, लेकिन अगर वो चाहता है कि यहाँ का व्यापारी खुशहाल होकर अपना व्यापार करे तो इस डिवाइडर को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। ये चैम्बर के पदाधिकारी थे, इन्होंने इस डिवाइडर को कैंसर तक बता दिया है। और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि सर इस डिवाइडर के होने से व्यापार किस तरह का प्रभावित हो रहा है। मैं दुर्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन हूँ, पवन बड़जात्या। हम व्यापारियों ने ठाना है कि डिवाइडर को हटाना है। इसी नारे के साथ हम पूरे इंदिरा मार्केट शिवम माल तक के जो भी व्यापारी हैं उन लोगों का दुख सुख सुनकर मैं चैम्बर की तरफ से, चैम्बर एक प्रदेश का बहुत बड़ी संस्था है और कैट जो राष्ट्रीय लेवल पे एक संस्था है जिसमें 17 करोड़ व्यापारी इसमें हैं, उन सब के मैं पदाधिकारी भी हूँ प्रदेश में। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये पर्सनल निर्णय है कि इसको डिवाइडर को हटाना है। और सभी व्यापारी चाहते हैं कि डिवाइडर हटेगा जब ही हमारा व्यापार बचेगा। तो हम इसको पूर्व जोर से चैम्बर और कैट के माध्यम से इनका सहयोग करने में हम सही हैं। चेयरमैन सर ने बताया कि इस डिवाइडर के हटने से ही व्यापार फलेगा फूलेगा, और नहीं हटा तो इन्होंने अपनी मंशा ही बताई कि वो किस तरह का इसमें आंदोलन करने बाध्य होंगे। और एक सर मौजूद है, सर जानना चाहेंगे पाँच वर्ष पहले इसका जब यहाँ पर बनाया गया तब किस तरह का विरोध नहीं जताया गया था? जी, मैं इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ का अध्यक्ष अनिल बल्लेवार, सबसे पहला विरोध करने वाला मैं ही व्यक्ति था। और हम लोगों ने उस समय भी बहुत विरोध किया, लेकिन प्रशासन का दबाव जो है व्यापारियों पर हमेशा रहता है। अब व्यापारी जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, एकदम अत्यंत परेशान हो जाता है, तभी जो है वो प्रशासन के खिलाफ या निगम के खिलाफ या व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी दुकान छोड़कर आता है। तो ये तो एकदम तय बात है कि हम यदि सड़क पर उतर रहे हैं तो परेशानी जो है आप उसका भी अंदाज आप लगा सकती हैं कि आपने भी, आप तो जन्म, आप भी प्रेस रिपोर्टर हैं, ऐसा बहुत कम अवसर आता है कि व्यापारी सड़क पर उतरे, तो ये वैसा ही अवसर है। ये 5 सालों में हम लोगों ने ये बात को बिल्कुल अनुभव कर लिया। 5 साल का समय भी पर्याप्त है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। क्या लगता है सर, 5 वर्ष में अभी तक मांगे जिस तरह डिवाइडर को लेकर आप लोगों की नज़रअंदाज की गई, अभी मांग पूरी की जाएगी? बिल्कुल, एक तो हमारे किसी ने भी डिवाइडर की मांग नहीं की थी यहाँ पर, क्योंकि सड़क की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर डिवाइडर लगाया जाए, मतलब उतनी चौड़ाई भी नहीं है और आगे जाके सकरी और हो जाती। तो डिवाइडर जिस के लिए समाधान बनकर आया था, जिनके दिमाग में था कि ये समाधान है, तो उसने उस ये मतलब और समाधान को और ज़्यादा समस्या के रूप में परिणित कर दिया। और अभी इतनी गंभीर समस्या हो गई कि यहाँ के व्यापारी, जैसे कहा भी है कि वाकई अभी तो ग्राहक ने पलायन किया यहाँ से, बहुत सारे ग्राहक जो है हमारे दूसरे बाजारों में शिफ्ट हो गए, यहाँ नहीं आना पसंद करते हो। अब धीरे 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 स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही कि अब यहाँ से व्यापारी भी पलायन करने की स्थिति में आ रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय। आशीष सर, जानना चाहूँगी जैसा कि आज आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, अपना विरोध जताया है, उसका कितना असर पड़ेगा इस डिवाइडर को हटाने में, निर्णय लेने में? निर्णय लेने में थोड़ा सा बाकलीवाल जी ने भी बोला है कि मैं कलेक्टर साहब से भी अपनी तरफ से निवेदन कर देता हूँ, उनने एक रुझान भी दिया है कि आप लोक कर्म ताम्रध्वज साहू जी से मिल लीजिए, पीडब्ल्यूडी अधिकारी है जो, तो बोले उनसे भी एक सहयोग मांग लीजिए आप अपनी तरफ से, हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, आप भी अपने तरफ से इतना काम कर लीजिए बोले। इन 5 वर्षों में पीडब्ल्यूडी मंत्री से आप लोगों ने कभी इस मांग को लेकर प्रमुखता से आवाज़ नहीं उठाई? पिछले बार उठाई थी, मगर उधर पहले किया गया था, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। हकीकत यही है कि पिछले बार भी उठाया गया था 2.5 साल पहले, मगर उसमें कोई एक्शन नहीं किया गया। लगता है कि आज जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, शासन प्रशासन इस पर अपनी नज़रें इनायत करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही समझ रहे हैं कि व्यापार अगर रहेगा, व्यापारियों का अगर हित है, तो इसमें उन्होंने भरपूर सहयोग करने के आश्वासन दिया है। सर, डिवाइडर एक ऐसा मुद्दा है इस परिसर को लेकर के जो काफ़ी गहराया हुआ है, तो डिवाइडर हटाने की मांग व्यापारी वर्ग किन बातों को देखकर कर रहा है? दो प्रमुख वजह है। देखिए, ये बाज़ार जो है वो फुटपाथ वाला बाज़ार है, जिसमें बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं। अगर कोई उस दुकान से इस दुकान आना चाहेगा तो आपने भी देखा कि डिवाइडर इतना ऊँचा है, इतना चौड़ा है और बीच में कहीं से कट नहीं दिया हुआ है। वो एक तो उस तरह से लोग इस पार से उस पार सहजता से नहीं आ सकते। दूसरा जो है, यहाँ पर जो बाइक और जो 4-व्हीलर जो गाड़ियाँ आती हैं उस पर ग्राहक वर्ग आता है। तो आप भी यदि अगर आप बाइक से आए होंगे या कार से आए होंगे तो बिल्कुल आप एक बार चला कर जाइए स्टेशन तक, आपको समझ में आ जाएगा कि रोकने की कहीं पर भी, यानी उतरने तक की जगह नहीं है ग्राहक के लिए, उतरने तक की जगह नहीं। और कोई भी यदि आता है तो कोशिश हमारे यहाँ यही रहती है कि भाई दुकान के सामने 5 मिनट रुक जाए, तो वो स्थिति भी यहाँ पर नहीं बनती। तो और एक बार आने के बाद ये डिवाइडर इतना सकरा है, मतलब जगह ड्राइविंग के लिए इतनी कम मिलती है कि
आदमी का इतना डर रहता है, ड्राइवर को एकदम डर लगे रहता है कि भाई जरा सा भी मैं असावधान हुआ, किसी दुकान की तरफ मैंने देखा तो मैं कहीं ना कहीं किसी से मैं भिड़ जाऊँगा। और ऐसा हुआ भी है, एक्सीडेंट से बचने के लिए डिवाइडर बनाया गया और नित्य यहाँ पर लगभग हर दूसरे दिन जो है कोई बाइक वाला टकरा रहा है, कोई जो है कार वाला टकरा रहा है, तो नित्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक्सीडेंट की भी संख्या भी जो जिस वजह से बनाया गया था तो वह भी यातायात में भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। सर बताएंगे आप डिवाइडर को लेकर आपकी क्या राय है, इसको हटाने और जो प्रशासन का एक निर्णय है कि इसको 50% किया जाए, उस पर क्या कहेंगे? सभी ने व्यापारियों ने अपना अपना निर्णय दिया और सही दिया है। मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, डिवाइडर हटाओ, व्यापार बचाओ। तो ये चेंबर के व्यापारी थे, इनका एक ही नारा है, डिवाइडर हटाओ, व्यापार बचाओ। कारण ये है कि एक सकरी रोड पे इतना चौड़ा डिवाइडर होने से व्यापार का ही प्रभावित हो रहा है। उस पार से इस पार आने वाले और इस पार से उस पार जाने वाले खासे परेशान जहाँ हो रहे हैं, वैसे फोर व्हीलर और टू व्हीलर के लिए पार्किंग के लिए कोई जगह यहाँ व्यवस्थित नहीं है। देखना होगा शासन प्रशासन इन व्यापारियों की मांगों को किस तरह सुनता है और इसका पहल किस तरह निकालता है और इसमें अमलीजामा किस तरह पहनाता है।